हरियाणा चुनाव पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी, जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों के नाम के पहले सूची। बड़ी खबर आपको बता रहे, पहले सूची में 50 से 55 नामों के होने की संभावना। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम आए सामने। सीएम नायब लाडवा से लड़ सकते हैं चुनाव। ओम प्रकाश धनखड़ को बादल से मिल सकता है टिकट। अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ सकते हैं चुनाव। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु लड़ सकते हैं चुनाव। महिपाल ढांडा को पानीपत ग्रामीण से मिल सकता है टिकट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंवरपाल गुज्जर जगाधरी लड़ सकते हैं चुनाव। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव का टिकट कन्फर्म। अटेली से चुनाव लड़ सकती है आरती राव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं बता दें कि अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही पहली सूची में 50 से 55 नामों के होने की सूची जारी हो सकती है और हरियाणा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ललित, हरियाणा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है, जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट, क्या कुछ ज्यादा अपडेट? जी सोनिया, कल रात को तकरीबन 11 बजे तक जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है और केंद्रीय चुनाव समिति ने तकरीबन सभी 90 नामों पर जो है चर्चा की है और इसके अलावा जो है 55 नाम ऐसे हैं जिनको की हरी झंडी दे दी गई है जी। तो अब 55 नामों को जब हरी झंडी मिली है तो ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार पहली सूची में कितने लोगों को नाम जारी करती है, वो सीधे 55 लोगों के नाम जारी करती है या फिर वो इसके अलावा जो है 30 से 25 लोगों के नाम जारी करती है, तो ये सारी जो है वो पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त जो है पहली सूची माना जा रहा है कि कल शनिवार को आ सकती है और पहली सूची में तकरीबन 30 या 25 नाम हो सकते हैं। रही बात कुछ नामों की जो जो प्रमुख तौर पर नाम है, इसमें सबसे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है। नायब सिंह सैनी मौजूदा समय में करनाल से विधायक हैं, लेकिन इस बार चुनाव में उनको जो है लाडवा भेजा जा सकता है तो वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। और रही दूसरी बात, अंबाला कैंट से अनिल विज जो कि हर बार की तरह चुनाव लड़ते हैं वो लड़ेंगे जी। और इसके अलावा पानीपत सिटी से अगर देखा जाए तो जो प्रमोद विज हैं वो चुनाव लड़ेंगे। आरती राव का नाम एक बहुत बड़ा थोड़ा सरप्राइजिंग नाम है जो कि उनकी बेटी है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है जी। तो उनका टिकट भी माना जा रहा है कि लगभग कंफर्म हो चुका है तो उनको जो है पार्टी अटेली से चुनाव लड़ाएगी। और दूसरी बात रही जेपी दलाल, ये लोहारू से चुनाव लड़ सकते हैं। कंवरपाल गुजर जगाधरी से, महिपाल ढांडा को पानीपत ग्रामीण से टिकट मिल सकती है, कैप्टन अभिमन्यु को नारनौत से और इसके अलावा जो किरण चौधरी जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है और उन्हें राज्यसभा में भेजा गया है बीजेपी की ओर से, उनकी बेटी श्रुति चौधरी वो तो शाम से टिकट मांग रही हैं तो पार्टी हो सकता है कि उनको वहां से टिकट दे दे जी। जी बने रहिए हमारे साथ ललित। हमारे साथ देवेंद्र कथूरिया एसोसिएट एडिटर भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पहली सूची में 50 से 55 नामों के होने की संभावना जारी है और लगातार उम्मीदवारों के नामों पर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है, तो किस किस मंत्री का टिकट कट सकता है? देखिए सोनिया, पहले तो आपको ये बता दूं 55 उम्मीदवारों पर सहमति बन गई है। देर रात तक जो बैठक चली है सीईसी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक चली है उसमें प्रधानमंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। 55 पर सहमति बनी है। 55 में से मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद आज एक दो घंटे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा, जैसा पहले से चला आ रहा है कि 25 से 30 की उम्मीदवारों की सूची पहली सूची आएगी, तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शायद आज तैयारी है और शायद 2 घंटे में, 1 घंटे में या दोपहर तक 2 दर्जन तक 25 से लेकर 30 तक की पहली सूची जारी की जाएगी। 55 पे सहमति बनी है लेकिन पूरे एक साथ नहीं किए जाएंगे। अगर कोई रिएक्शन हो पार्टी में, कुछ नाराजगी लोगों के सामने आए तो पार्टी एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये करी है कि 55 पर सहमति बनी है लेकिन करीब 2 दर्जन 25 से 30 तक की पहली सूची आएगी, माहौल देखा जाएगा। पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है जो ये आरोप लगाते हैं कि मूल काडर की उपेक्षा हो रही है, तो पार्टी देखना चाहती है रिएक्शन तो ना हो किसी तरह की, उसके बाद बाकी अनाउंस हो गए। पानीपत
की बात करें पानीपत की चार विधानसभा क्षेत्र है, प्रमोद विज पानीपत शहरी के मौजूदा विधायक है, वो संभावित है, वो तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने दफ्तरों को अपने दफ्तर को नया रूप देना शुरू कर दिया, मतलब संकेत है। पानीपत ग्रामीण की बात करें, दो बार के विधायक महिपाल ढांडा है, अब तो मंत्री हैं, वो भी उनकी भी टिकट लगभग पक्की है, इशारा मिल चुका है, उनके समर्थकों में उत्साह है। इसराना की जहां तक बात है, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जो पहले यहां से 2014 में जीते थे, मंत्री बने थे, पांच बार के विधायक है, अब राज्यसभा सांसद, तो इसराना से कृष्ण लाल पवार को पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि सिर्फ वही उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं जिनके जीतने की उम्मीद है, पार्टी ये कर रही है। और इसके अलावा सुनीता दुग्गल जो सिरसा से जिसकी टिकट कटी थी, सुनीता दुग्गल को भी पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। इंद्री की बात करें तो इंद्री में मौजूदा रामकुमार कश्यप है, इनेलो से आए थे 2019 में, बीजेपी में टिकट लेके विधायक बने हैं, उनकी टिकट मेरे को लगता है थोड़ा खतरा है। करण देव काम्बोज जो यहीं से पहले 2014 में विधायक थे, मंत्री बने थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनकी टिकट कट के रामकुमार कश्यप को मिली थी, जिनको करण देव काम्बोज को रादौर भेजा गया था, वहां से वो हार गए थे, वहां कांग्रेस का जीता था। तो मेरे को लगता है रामकुमार कश्यप की जगह करण देव काम्बोज, पूर्व मंत्री जो बैकवर्ड क्लास के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उसमें उनको शायद करण देव काम्बोज को लड़वाया जा सकता है। करनाल की जहां तक बात है, बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ते हैं, वो सेफ सीट है, सैनी बिरादरी के सबसे ज्यादा वोटर्स हरियाणा में, लाडवा सीट है और सेफ सीट है कुरुक्षेत्र की जी। तो लाडवा जाने पर सीएम के, अब करनाल का सवाल है, करनाल में पहले मनोहर लाल थे, फिर नायब सैनी आए, तो यहाँ के जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है जो ये कहते हैं कि बाहर के लोग आकर विधायक बनते हैं करनाल से, उनमें खासी नाराजगी। अब नाम रेणु बाला गुप्ता का भी चल रहा है, जो दो बार मेयर रही है, जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे दोनों बार मेयर का चुनाव जीता है और मुख्यमंत्री के करीबी है मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे, रेणु बाला का नाम चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है रेणु बाला का नाम सामने आने से, टिकट देने से बगावत की स्थिति हो सके। करनाल में बहुत नाराजगी है पंजाबी समाज के लोगों में कि हमने पार्टी के लिए काम किया, हम करनाल में रहते हैं और बाहर के लोग, चाहे मनोहर लाल आए दो बार जीते, इधर नायब सैनी आए, उनको ये गिला है, शिकायत है कि पार्टी के लिए हमने काम किया है लेकिन हमें टिकट नहीं दिया जा रहा, जो करनाल के मूल निवासी है, जो पार्टी से बरसों से जुड़े हुए। तो रेणु बाला गुप्ता के नाम पे विरोध हो सकता है, हालांकि रेणु बाला गुप्ता का नाम भी चल रहा है जी। तो इसी तरीके से घरौंडा की बात करें, हरविंदर कल्याण दो बार के बीजेपी विधायक है, लगातार दो बार जीते हैं, ये बीएसपी भी टिकट पर लड़े थे 2014-19 में, जब बीजेपी में आई थी 2014 में, लगातार दो बार विधायक है 14 में 19 में, अब भी इनका नाम लगभग तय है, कोई विकल्प इनके पास नहीं है। समालका की जहां तक बात है, पानीपत की चौथी सीट समालका, यहां शशिकांत कौशिक या मनमोहन भड़ाना जो अभी फरीदाबाद से हैं, पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे हैं, तो मनमोहन भड़ाना या शशिकांत कौशिक, इन दोनों में कशमकश है, दोनों में कौन, दोनों पूरा जोर लगाए हुए हैं। समालका की होड़ सीट बन चुकी है और बीजेपी में जो तीसरे संजय छोकर थे, कांग्रेस से आए थे, मनोहर लाल उनको लाए थे, लेकिन वो मेरे को लगता है पीछे रह गए हैं। मनमोहन भड़ाना या शशिकांत कौशिक की टिकट हो सकती है, ऐसे ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो संभावित नाम वही है जो मैंने आपको बताए हैं जी। जी बने रहिए हमारे साथ देवेंद्र कथूरिया जी, लगातार हमारे साथ ललित कानपाल भी बने हुए हैं। ललित, लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में कई बड़े चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है और वहीं कई चेहरों के नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं, तो ऐसे में कुछ चेहरे हैं जिनका टिकट कट सकता है, उसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए सुनिए, कारण के पीछे जो अगर हम भारतीय जनता पार्टी में कल देखें जी, तो कल जो है प्रधानमंत्री तकरीबन 8:30 बजे के आसपास पहुंचे थे और 11:45 बजे जो है तकरीबन नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका था जी। लेकिन नायब सिंह सैनी जो है वो देर रात तक निकले, यानी कि वो तकरीबन 11:30 बजे तक निकले। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने जो सवाल पूछा कि इनकी टिकट कटने की संभावना क्यों है, इनकी टिकट कटने की संभावना इसलिए है क्योंकि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा बढ़ चुका है। पार्टी अगर इनको एक बार फिर से मैदान में उतारती है तो पार्टी को वहां पर हार का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कई सीटें ऐसी भी हैं जिन पर कि अभी मौजूदा के बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन वहां के लिए बीजेपी के पास कई बेहतर उम्मीदवार हैं, जैसे कि मसलन पूर्व सांसद हैं, सांसद का चुनाव लड़े लोग हैं, तो जिन्होंने की परफॉर्मेंस काफी अच्छा किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसलिए पार्टी के पास जब विकल्प है तो पार्टी ने जो है सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पार्टी ने जिन विधायकों को टिकट कटना है उनको इस तरह से इंटीमेट कर दिया है कि आपका टिकट लगभग कट रहा है तो आपको अब जो है संगठन में जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि पार्टी में बीजेपी में जो है इस तरीके से अनुशासनहीनता नहीं होती है,
कि विरोध हो जाए। हाँ, नाराजगी जरूर होती है लेकिन विरोध नहीं होता है। तो ऐसे में उस नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी ने पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया है। और अब देखना ये होगा कि कितने विधायकों के टिकट कटते हैं मौजूदा और कितने मंत्रियों के टिकट कटते हैं। जी। ललित कांडपाल लगातार बने रहिए हमारे साथ। लगातार हमारे साथ देवेंद्र कथूरिया भी बने हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र जी, लगातार भाजपा जो है कुछ नए चेहरे हैं जो उतार सकती है, ऐसे में जो कुछ बड़े चेहरे हैं जिनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से जो सीटें हैं जिन पर नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है? देखिए सुनिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, जो मंत्रियों का नाम आ रहा है, चार मंत्री जो है उनका टिकट कटेगा, कई दिनों से बात चल रही है। इनमें कमल गुप्ता हिसार से हैं, लेकिन उनकी जगह सावित्री जिंदल को टिकट मिलने जा रही है, इस तरह के पुख्ता संकेत हैं। हिसार के कमल गुप्ता के अलावा रंजीत चौटाला, जो बीजेपी में लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले बीजेपी में ज्वाइन किया, आनंद फानंद ने उनको टिकट भी दे दिया, उन्होंने दमखम लगाया लेकिन विरोध के कारण वो चुनाव जीत नहीं सके। रंजीत चौटाला का भी टिकट कटेगा, वो बीजेपी में है, निर्दलीय रानी से जीत कर आए थे, समर्थन दिया था, मंत्री बने थे, फिर लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले, अभी जो 25 मई को लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करी, टिकट लेना था क्योंकि उनको लड़वाना था, हिसार से उनकी इच्छा थी, चुनाव हार गए लेकिन अब वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि हलोपा जो है हरियाणा लोकहित पार्टी है गोपाल कांडा की, बीजेपी ने उससे गठबंधन किया है और उनकी रानी सीट पे जहां से रंजीत चौटाला जीते थे वहां गोपाल कांडा अपने भतीजे को या अपने परिवार के किसी को खड़ा कर रहे हैं, तो इस बात पे मन मुटाव हो गया, तो रंजीत चौटाला की टिकट कट सकती है और कमल गुप्ता की। सीमा परीखा जो बड़कल फरीदाबाद से विधायक है उनकी भी टिकट कट सकती है। तो कुल चार मंत्री ऐसे हैं, उनमें 20 ऐसे विधायक जो मौजूदा, देखिए 40 जीते थे पिछली बार 2019 में, 40 विधायक जीते थे, 40 में से ये तीन चार तो मंत्री है जिनके टिकट कटने तय है माना जा रहा है ऐसा, और 20 विधायकों के नाम मतलब 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा की टिकट कटने हैं, उनकी जगह युवाओं को लाने की कोशिश हो रही है ताकि पार्टी का नया कलेवर, नया चेहरा नजर आए, क्योंकि जिन लोगों से नाराजगी है या जैसे एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, तरोताजा नजर आए पार्टी के उम्मीदवार, कुछ मतलब नए चेहरों का और पुरानों का मिश्रण हो ताकि उसमें हुनरमंद भी लोग हो, अनुभवी भी हो, और नया जोश है जो युवाओं में, महिलाओं में, महिलाओं और युवाओं को कुछ एडिशन किया जा रहा है इसमें सूची में। अगर 20 विधायकों की टिकट कटती है तो 40 में से 20 विधायक मतलब 50% से ज्यादा की टिकट कट रहे हैं, तो पार्टी अब किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहती, उम्मीदवार के रूप में सामने नहीं लाना चाहती जिस पर खतरा है, जो सीट नहीं जीत सकता। सीट तीसरी बार सरकार बनाने के हुंकार बीजेपी भर रही है, छोटे से बड़े नेता, अमित शाह जी हों, प्रधानमंत्री हों, हरियाणा के बड़े नेता हों, तमाम के तीसरी बार रिपीट करने को सरकार को पूरी कोशिशें चल रही है, तो टिकट की जो काटने का मसला है, हमने देखा जो पिछले चुनाव थे 3 विधानसभा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उससे पहले गुजरात के जो चुनाव थे उसमें टिकटें एक मुश्त काटी गई, बीजेपी ने कोई परहेज नहीं किया, थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ लेकिन उसको दबा दिया गया, अनुशासन ज्यादा है बीजेपी में बाकी मुकाबले। तो मेरे को लगता है जो 55% बनी है कल देर रात, उसके बाद प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी 11 बजे तक बैठक चली है जिसे मुख्यमंत्री मौजूद थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी लगाई गई कोई चूक ना हो जाए, तो इस तरीके से अभी मेरे को लगता है आज या एक दो घंटे में या दोपहर तक शायद 2 दर्जन उम्मीदवारों की सूची घोषित की जा सकती है। वो ये ऐसे नाम होंगे जिन पे कोई विरोध की गुंजाइश नहीं होगी, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, वो लोग अपनी तैयारी करें, उनके समर्थक जुट जाए अपने काम में, तो बाकियों की मेरे को लगता है बाद में शायद इस पहली सूची की घोषणा के बाद पार्टी थोड़ा सा देखना चाहती है कि माहौल कैसा है, कहीं नाराजगी तो नहीं है, जो मूल काडर लगातार उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, तो इस तरीके से मेरे को लगता है इस बार भी चाहे लोकसभा चुनाव हो या पिछले 2014 के चुनाव हो, 2019 के विधानसभा, बीजेपी ने हमेशा लीड लिया उम्मीदवारों का चयन करने में, फैसला लेने में और उनको मैदान में उतारने में, तो अब भी मेरे को लगता है बीजेपी लीड लेते हुए दिख रही है। जी देवेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ लगातार। ललित कांडपाल भी बने हुए हैं। ललित, अगर बात की जाए लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि करनाल से क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? देखिए सोनिया, ये जो सवाल आपने पूछा है कि वो करनाल से क्यों नहीं लड़ सकते, दरअसल करनाल को लेकर एक बात ये कही जा रही है कि करनाल जब पिछली बार परिस्थितियां बनी थी कि मनोहर लाल खट्टर जो है वहां पर जो है उन्होंने जब ये सीट छोड़ी थी तो उसके बाद उन्हीं की सीट को रिकवर करते हुए
नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़े और वो जीत भी गए थे जी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं। और करनाल जो है, करनाल पर जो नाम की जो एक तरह से वो उम्मीद जताई जा रही है वो है संजय भाटिया की। संजय भाटिया जो इससे पहले सांसद थे और अभी जो सांसद थे उन सांसद की टिकट कटते हुए मनोहर लाल खट्टर को सांसद बनाया गया था। तो अभी जो है संजय भाटिया के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी संजय भाटिया को जो है करनाल से चुनाव लड़ा सकती है और वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ के संगठन को और मजबूत करते हुए, और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा क्योंकि नायब सिंह सैनी के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो अगर लाडवा से चुनाव लड़ते हैं और तो वहाँ से जीत भी सकते हैं, तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी पार्टी के सामने संकट नहीं है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब लिस्ट आएगी शनिवार को तो उसमें करनाल का नाम भी हो सकता है और उसमें जो नाम होगा वो संजय भाटिया का हो सकता है। जी बने रहिए हमारे साथ लगातार, देवेंद्र जी भी बने हुए। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए पिछले चुनाव में हारे और कुछ पूर्व मंत्रियों को क्या इस लिस्ट में मौका मिल सकता है? देखिए, बीजेपी को हर हाल में सरकार बनानी है, जो संकल्प भी है और कोशिश भी हो रही है, प्रयोग भी हो रहे हैं और लीक से हटके फैसले भी हो रहे हैं। दो पूर्व मंत्री के नाम तो है, जैसे एक तो पूर्व मंत्री करण देव काम्बोज जो इंद्री से 2014 में जीते थे, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, 2014 में जीते, इनको मंत्री बनाया गया था लेकिन इनको बाद में 2019 के चुनाव में रादौर शिफ्ट किया गया था, वहां हार गए, कांग्रेस का जीत गया। इनकी जगह पे इनेलो से आए थे राम कुमार कश्यप, राज्यसभा सांसद थे, राज्यसभा सांसद के बाद उन्होंने इनेलो से बीजेपी में एंट्री की थी, उनको टिकट मिला था, जीते थे। लेकिन अब मेरे को लगता है इंद्री में करण देव काम्बोज को वापस लाने की कोशिश है, क्योंकि एक चुनाव जीते थे 14-19 वाला, हार गए थे, तो उसके बाद उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई थी, बैकवर्ड क्लास के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मोर्चा है उसका। तो अब मेरे को करण देव काम्बोज को मौका मिल सकता है, पूर्व मंत्री। दूसरा सुनीता दुग्गल जो सिरसा से, जिनकी टिकट काट के अशोक तंवर को लड़ाया गया, सुनीता दुग्गल को भी मतलब मैदान में उतारा, उनकी जो मतलब हारे हैं जिनको टिकट नहीं दी गई, नाराजगी थी, जो उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा कुछ और लोग हैं जो विधायक है जिनकी टिकट कट सकते हैं, मैं बता दूं, जैसे मैंने इंद्री का बताया है, कुछ और जगह अभी सूचनाएं एकत्र हो रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि आज पहली सूची जारी करके बीजेपी थोड़ा सा माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेगी, जैसा मेरे साथी भी बता रहे ललित के, शनिवार को भी, शनिवार को भी हो सकती है। लेकिन अभी मेरी किसी से बात हुई थी, उनका ये कहना कि आज सूची आ सकती है दोपहर से पहले, एक दो घंटे, चार घंटे में या शाम को आज सूची आ सकती, नहीं तो कल तो आनी ही आनी है। तो पहली सूची जारी करके बीजेपी माहौल को बनाने की कोशिश करेगी और पार्टी में किसी तरह का विरोध या कुछ उस तरह की बात तो नहीं है, थोड़ा सा एक टेस्ट हो जाएगा उनको, ताकि अगर कोई डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति हो तो उनके हाथ में बाकी टिकटें हैं अभी, तो पुचकारने की, मनाने की, नाराजगी दूर करने का मौका इनके पास रहेगा। तो 25 से 30 सीटें, ये लगातार एक हफ्ते से बात आ रही है कि पहली सूची में 25 से 30 उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और वो आज हो सकता है, नहीं तो कल भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी बाकी दलों से उम्मीदवारों को घोषित करने में, मैदान में उतारने में लीड ले रही है, जैसा पहले भी करती रही है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहता है। कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस सूत्रों से एक खबर आ रही है सोनिया, 90 सीटों में 60 पर मंथन हो चुका है, लगातार कई दिनों से बैठक स्क्रीनिंग कमेटी हरियाणा की चल रही है, 90 में से 60 पर मंथन हो चुका है, फैसला लिया गया है, अभी आउट नहीं हो रही चीजें, लेकिन 30 पर अभी मंथन होना है एक दो दिन में, ये भी चलेगा। और ये कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि समय बहुत कम है, 1 अक्टूबर को अगर चुनाव है तो महज एक महीने का समय, एक महीने में नॉमिनेशन फाइल करने हैं, जल से जुलूस, रोड शो, रैलियां, बड़े नेता आएंगे, घर घर जाना है, तो बहुत काम होता है। तो मेरे को लगता है कांग्रेस भी अब जल्द सूची करेगी, बीजेपी की सूची आते ही कांग्रेस भी जल्द करेगी सूची। कांग्रेस की जहां तक बात है, फैसला ये हुआ स्क्रीनिंग कमेटी में सोनिया के, जो कुछ ऐसे विधायक है मौजूदा कांग्रेस के, 31 थे, 31 जीत कर आए थे 2019 में, लेकिन एक कुलदीप बिश्नोई ने अपनी सीट खाली करके बेटे को, भव्य बिश्नोई को, आदमपुर से लड़वाया था, वो एक सीट कम हुई, 30 सीटें कांग्रेस की है। 30 में ये फैसला हुआ है कि जो ऐसे विधायक हैं जिन पर कोई केस चल रहे हैं, ईडी के केस हैं या सीबीआई से, जैसे सुरेंद्र पवार है सोनीपत से, राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से हैं, पानीपत के समालखा से धर्म सिंह छोकर हैं, ऐसी चर्चा है अंदर खाते, राहुल गांधी चाहते हैं कि जिन पर केस है, जो दागी हैं, उनको टिकट ना दिया जाए। हालांकि फैसला नहीं हुआ लेकिन चर्चा जरूर हुई है। उसके अलावा ये भी है कि कोई सिटिंग सांसद जो बने अभी, उनमें किसी को, जैसे शैलजा कर रही थी कि मैं विधानसभा लड़नी चाहती हूँ, 3 महीने अभी 100 दिन भी नहीं उनको
सांसद बने हैं वो कह रही है विधानसभा शायद मुख्यमंत्री पद की होड़ जो है उसको भी पार्टी ने उस पर विराम लगाने की कोशिश की कि कोई भी सिटिंग एमपी को टिकट नहीं दी जाएगी। जब विवाद ज्यादा बड़ा शैलजा के बयान के बाद तो प्रभारी ने दीपक भाभी ने यही कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है जिसको टिकट नहीं भी मिलती, क्योंकि ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बनाता तो 6 महीने के अंदर संवैधानिक बाध्यता है कि उसको मेंबर बनना पड़ेगा असेंबली का। तो मतलब उन्होंने ये बयान दे के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो पूरे हरियाणा से पानीपत सोनीपत करनाल जहां भी पूरा डेरा डाला हुआ है उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे ऐसे जैसे मेला लगा हुआ है और ऐसे ही प्रभारी दीपक बाबरिया के मिलने वाले रात दिन वहीं होटलों में रुके हुए हैं। हरियाणा के तमाम जो टिकट के दावेदार हैं जो उम्मीदवार हैं लोबिंग में जुटे हैं बड़े नेताओं की उनको मना रहे हैं पुचकार रहे हैं शायद आंखों से कुछ इशारे भी होते हैं ऐसे मौकों पे। तो हरियाणा के कांग्रेसी नेता ना दिल्ली में डेरा डाला हुआ है समर्थक यहाँ उनके दफ्तर दुफ्तर देख रहे हैं कि टिकट आती है तो फिर सारी तैयारी है उनको इंतजार है परिवार के लोगों को उनके रिश्तेदारों को टिकट नेताजी को मिली है नहीं मिले पूरी तरह से मतलब अभी सारा खेल दिल्ली पे हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी की टिकट या कांग्रेस की वहां से जिस तरह के संदेश आएंगे जो सूची आएगी जो नाम आएंगे उसके बाद यहाँ ढोल बजने शुरू हो जाएंगे कि किस नेता को टिकट मिला है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस में दोनों पार्टियों में बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में पार्टी टिकट के दावेदारों में नेताओं में मौजूदा विधायक है जो पूरी तरह से मतलब सारा कुछ अब दारोमदार दिल्ली पे टिका हुआ है कि दिल्ली से जो सूची जारी होती है उम्मीदवारों की उसके बाद आगे के काम शुरू होंगे। जी जी, बने रहिए हमारे साथ देवेंद्र जी लगातार। ललित कांडपाल भी बने हुए हैं। ललित, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की 5 सीटें आई थी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कांग्रेस, ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति, और ऐसे में दीपक बाबरिया का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो 2 बार से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं उनको चुनाव से दूरी बना लेनी चाहिए, तो ऐसे में ये माना जाए कि पार्टी नए चेहरों पर दाव खेल सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा सोनिया कि कांग्रेस पार्टी भी रणनीति बना रही है और देखिए इस बार एक बात तो क्लियर है कि चुनावी मुकाबला पूरा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है तो दोनों पार्टियां अपनी रणनीति उसी हिसाब से बना रही हैं। कांग्रेस पार्टी में दीपक बावरिया का कल एक बयान आया था कल कि 50 से 55 सीटों पर नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। तो 50 से 55 सीटों पर अगर नाम फाइनल कर लिए गए हैं और रात और उसके बाद कल रात को बीजेपी के कई सूत्रों ने हमें भी ये बताया कि 50 से 55 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं और ये बहुत ही डिपेंड करता है। हालांकि जैसा कि मेरे साथी देवेंद्र कठुरिया जी ने बताया कि जो रणनीति है उसमें बीजेपी हमेशा पहले टिकट जारी करती रही है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी की लिस्ट को देखते हुए अपने उम्मीदवारों को फील्ड करती है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी जो है, क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं ऐसा कोई हार्डकोर लकीर नहीं है कि लिस्ट कल ही आएगी, लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आज के दिन में लिस्ट नहीं आने जा रही है और ये लगभग सभी बड़े नेताओं का एक तरह से वो है कि आज के दिन में लिस्ट नहीं आएगी और कल आएगी लिस्ट, लेकिन हो सकता है कि पार्टी की आला कमान तय कर दे आज भी सूची जारी कर दे, इसमें कोई हार्डकोर लकीर नहीं है। जैसा कि मेरे साथी देवेंद्र कठुरिया बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 दर्जन नाम पहले पार्टी जारी कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बाकी नाम है जो कि जिन पर एक तरह से सबकी नजरें लगी हुई है, ये जो पहले नाम आएंगे सोनिया, ये तो आप ये समझ कर चलिए कि ये वो नाम है जिन पर ना तो पार्टी के किसी सदस्य को विवाद हो सकता है और ना ही किसी एमएलए और मंत्री को हो सकता है, क्योंकि ये बड़े क्लियर नाम है एक तरह से और वो सूची हम भी दिखा रहे हैं, तकरीबन 1 दर्जन की सूची हम भी दिखा रहे हैं कि जो क्लियर हो चुकी है लगभग। तो ऐसे में ये जो नाम आएंगे वो आज भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कल ही आएंगे, लेकिन मेरे ये सूत्र बता रहे हैं कि कल जो है कल पार्टी एक बड़ी लिस्ट जारी कर सकती है और उस बड़ी लिस्ट के बाद जो है स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। जी, ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और लगातार देवेंद्र कथुरिया जो भी बने हुए थे एसोसिएटेड एडिटर आपका भी धन्यवाद।